94 साल की भगवानी देवी डागर ने कल फिनलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक जीते हैं। जिस उम्र में अमूमन लोग ठीक ढंग से उठ बैठ नहीं पाते, उस उम्र में उन्होंने विदेश में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाया है। भगवानी देवी ने सीनियर सिटीजन कैटेगरी में 100 मीटर रेस का गोल्ड जीता तो फिर शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने 24.74 सेकंड के टाइम के साथ गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, साथ ही में शॉटपुट यानी गोला फेंक में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। भगवानी देवी ने न सिर्फ भारत का नाम बढ़ाया है बल्कि उन सभी लोगों को प्रेरणा दी है जो बढ़ती उम्र के साथ खुद को बेबस महसूस करते हैं और जिनके चलने के भी वांदे हो जाते हैं। शायद बहुत से लोग भगवानी देवी को देखकर जीवन जीने की प्रेरणा लेंगे। चले शाबाश 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 बस 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 कांग्रेचुलेशंस। And please rise up for the national anthem of India. लाइफ टाइम्स टीवी डेस्क की रिपोर्ट। चले शाबाश 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 बस 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 बस